मित्रों श्री गणसाय नमः। आप सभी को मैं सादर नमस्कार करते हुए आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि हम जो गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं तो उनका सूंड किस ओर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आए कि दाईं ओर सूंड होना चाहिए, बाईं ओर सूंड होना चाहिए। अगर उनको बताते हैं तो बोले कि सीधे सूंड वाली भी जो होती हैं वो क्या है। साथ ही चर्चा होती कि हमारी स्थिति से दाईं ओर बाईं ओर देखें कि गणेश जी की प्रतिमा के दाईं ओर या बाईं ओर हमको देखना चाहिए। यहाँ पे मैं चर्चा यही करना चाहूँगा कि जिस मूर्ति को हम ला रहे हैं उसके सूंड के अग्रभाग की मोड़ को देखना है। अगर वो दाईं ओर है ना, तो उन्हें दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। दक्षिण का अर्थ है पूर्व मुखी। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके दक्षिण दिशा या सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड भी बोल सकते हैं, दाई बाजू की ओर को हम मानते हैं। अब क्योंकि दक्षिण दिशा को हम लोग यम लोक की ओर ले जाने वाला बोलते हैं, सूर्य नाड़ी भी मानते हैं, तो ये सब को देखते हुए हमको अगर ऐसे गणेश जी की प्रतिमा को ला रहे हैं जो उनके दाईं ओर की ओर है, उनका जो मुख है, तो उनको जागृत गणेश मानते हैं और विशेष नियमों को पालन करते हुए ही उनकी पूजा की जाती है। अब बाईं ओर जो सूंड होगा उसको हम देखते हैं तो ये सरल स्वभाव के होते हैं और इनको उत्तरमुखी भी बोलते हैं। यह शीतलता प्रदान करता है और उत्तर दिशा हम लोग जानते ही हैं कि अध्यात्म का कारक है, आनंददायी है। तो अधिकतर पूजा के क्षेत्र में आपको बाईं ओर गणपति की मूर्ति रखनी चाहिए। अब कभी कभी चर्चा होती है कि गणपति तो बुद्धि के देवता है, विशेष रूप से बुद्धि दाईं या बाईं ओर ही रहती है। अगर गणेश जी का सूंड जो है सीधा रहे तो हमें क्या फल मिलेगा? तो सीधा रहने से हमारे घर में संतुलन का वातावरण बनता है, सुख समृद्धि हमको विशेष मिलती है। अब हमको यह पता चल गया कि जिस किसी भी घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान में बाईं ओर अर्थात गणेश जी के लेफ्ट साइड की सूंड का मुख रहेगा तो उसे ही स्थापित करना है, जिससे हमारे रचनात्मक कार्यों के प्रति लगाव बढ़ेगा और हमको प्रगति अवश्य मिलेगी। अब मैं यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो गणेश भगवान जी की पूजा है इसमें कुछ नियम है, विधि विधान है और सावधानियाँ हैं, तो इनको हम जानते हैं। सबसे पहला है कि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की हो, प्राकृतिक हो, POP की न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति 1 फुट से अधिक या बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बोलते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा रखना चाह रहे हैं तो विशेष रूप से आप यह ध्यान रखें कि वह खंडित न हो और विशेष रूप से जो कोई भी उनको अगर स्पर्श करे तो कोई चप्पल, जूता आदि या चमड़े के बेल्ट या गलत चीज़ों का सेवन करके न उनको छुए, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, एक या कुछ व्यक्ति के द्वारा सहजता से उठाकर लाया जा सके ऐसी मूर्ति होनी चाहिए, या फिर प्रयास ये करें कि उसको किसी विशेष रूप से सभी मिल करके ऐसे लाए कि मूर्ति सहजता से हमारे घर पे प्रवेश करे। पीठ दिखाते हुए मूर्ति को नहीं लाना चाहिए, उनका मुख हमारी घर के दिशा की ओर रहे तब उनको प्रवेश कराना चाहिए। साथ ही बोले सिंहासन पर बैठी हुई या लोट पर टिकी हुई प्रतिमा को बहुत अच्छा माना जाता है। अब सांप, गरुड़, मछली आदि पर बैठे हुए या युद्ध करते हुए गुस्से में या किसी चित्र विचित्र प्रकार के प्रतिमा को नहीं लाना चाहिए। गणपति जी का जो मुख है वह एकदम प्रिय होना चाहिए, मतलब उनको देख करके मनोहारी लगना चाहिए, उनको देख करके हम सभी को खुशी का अनुभव होना चाहिए। फिर बोले कि गणपति जी की पूजा में शिव पार्वती की गोद में बैठे हुए गणपति जी की पूजा हम लोग करते हैं, ऐसा गणेश जी की प्रतिमा को कभी न लाए, क्योंकि बोलते हैं कि शिव पार्वती की पूजा लिंग स्वरूप में ही किया जाता है। शास्त्रों में शिव पार्वती की मूर्ति बनाना और उसे विसर्जित करना निषिद्ध है। श्री गणेश जी की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बांधकर भी घर नहीं लाना चाहिए, बल्कि उनके पूरे मुखमंडल पर ही एक लाल वस्त्र, कोई भी लाल वस्त्र नया हो तो और अच्छी बात है, वरना अगर ना हो तो धुला हुआ एक ला करके पूरा ढक लेवे। अब गणपति जी की पूजा जब करनी है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप सभी जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से ही भगवान देवत्व मंत्रों के अधीन होकर के आ जाते हैं।
तो गणपति जी की पूजा में जो मंत्र प्रयोग करेंगे पंडित जी, तो उनका बहुत सहर्ष है, सहयोग अच्छा होती है, उनका सहयोग भी ले रहे हैं। हम लोग 10 दिन की पूजा करते हैं, 10 दिन में समय कई बार घर में कोई रिश्तेदार या परिवार में मृत्यु शोक होता है, सूतक होता है, नए बच्चे का जन्म होता है, तो क्या करना है, तब पड़ोसी या मित्रों द्वारा पूजा नैवेद्य आदि कार्य कराना चाहिए, उनके द्वारा कराना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, और विसर्जित करने की शीघ्रता भी नहीं करना चाहिए, उनके द्वारा प्रयास करें कर लेना चाहिए। श्री गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद घर में वाद विवाद, झगड़ा, मद्यपान, मांसाहार, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब खाने से, तेज तेज चीज़ों को खाने से तामसी व्यवहार अवश्य आ जाता है, गुस्सा क्रोध आ जाता है, इसलिए इनसे दूर रहें। अब यहाँ पे मैं ये चर्चा करूँगा कि गणेश जी को मोदक लड्डू सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन आप प्रयास करें कि उनके साथ और कुछ कुछ भी विशेष रूप से सब्जी रोटी ताज़ा भोजन ऐसा कुछ चढ़ाएं जिससे कि भगवान उसको विशेष रूप से ग्रहण कर सके। लेकिन अभी फिर यही बोलूँगा कि मोदक आवश्यक है, मोदक को कभी भी भूले ना, या फिर लड्डू के रूप में भगवान जी को अर्पित करें। दही, शक्कर, भात, ये सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं, खीर, पंचमेवा विशेष रूप से चढ़ा सकते हैं। अब विशेष बात आती है विसर्जन के जुलूस में, हम लोग देखते हैं डीजे आदि जो भी है, गीत वगैरह बजते हैं, कई लोग कई प्रकार के डांस करते हैं और हो हल्ला होता है, लोगों को धक्का दे दिया जाता है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसके अलावा हमको झांझ मंजीरा, भजन कीर्तन आदि होते हुए शांतिपूर्वक एक खुशनुमा मौसम में हर किसी से बात करते हुए, चर्चा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हमें आगे आना चाहिए। इस प्रकार से आप अगर बातों को ध्यान देते हैं और भगवान जी के सामने बैठ करके प्रतिदिन गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो गणेश जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बरसेंगी और आप भगवान जी का नाम लेते रहिए। सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः। है लोगों को धक्का दे दिया जाता है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसके अलावा हमको झांझ मंजीरा, भजन कीर्तन आदि होते हुए शांतिपूर्वक एक खुशनुमा मौसम में हर किसी से बात करते हुए, चर्चा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हमें आगे आना चाहिए। इस प्रकार से आप अगर बातों को ध्यान देते हैं और भगवान जी के सामने बैठ करके प्रतिदिन गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो गणेश जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बरसेंगी और आप भगवान जी का नाम लेते रहिए। सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।